my channel Simple Intervention. This is Madhulika Chatterjee and today I am back with yet another video. आज जिस बारे में मैं आप सब लोगों के साथ बात करने वाली हूँ वो है getting a driver's license in Switzerland. तो काफी ऐसे लोग हैं जो आते हैं foreign countries से, they want to drive here in Switzerland. तो उन लोगों के लिए ये कुछ रूल्स जानना और किस तरीके से यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ये सारे चीजें जानना काफी इम्पोर्टेंट है. फिर बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जो है मैं आप सबको बता दूं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लाइसेंस है फ्रॉम योर होम कंट्री देन things are going to be much easier for you. With your home country license, you can drive in Switzerland for 1 year non-stop. आप यहाँ पर एक साल बिना किसी भी रुकावट के गाड़ी चला सकते हैं. लेकिन the moment आपका एक साल खत्म हो जाएगा, then you need to get a Swiss driver's license, जिसके लिए आपको यहाँ पर apply करना पड़ेगा. तो अब मैं बता दूँ, Swiss driver's license जो है, वो अगर आपके पास होगी, तो आप जो है पूरे यूरोप जोन में कहीं पर भी आप गाड़ी चला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. और अगर आप चाहते हैं बाहर चलाना, फॉर एग्जांपल इन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी इंटरनेशनल जगह पे अगर आप चलाना चाहते हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू योर गमाइन एंड आस्क देम फॉर द इंटरनेशनल लाइसेंस. तो अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो गया देन आप ये सारे इंटरनेशनल जगह पे भी चला सकते हैं. बात आ जाती है कि कैसे हम ये स्विस ड्राइवर्स लाइसेंस निकाले. पहले जो है मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों की जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस बिल्कुल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द वंस हु डू नॉट हैव एनी ड्राइवर्स लाइसेंस इवन इन देयर होम कंट्री. They have to start from fresh. From fresh start करने के लिए आपको सबसे पहली जो चीज करनी पड़ेगी वो है आपको अपनी आई टेस्ट करानी पड़ेगी. So you need to go to a optician and do your eye test, get the report. इसके बाद जो है आपको जाना पड़ेगा एक ड्राइविंग स्कूल में और अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा. रजिस्टर करने के बाद you have to take a ड्राइविंग थ्योरी क्लासेस. थ्योरी क्लास के बाद आपको जो लेनी पड़ेगी वो है फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी क्लासेस. अब आप सोच रहे होंगे ये चीजें क्या होती है, एज इन हम जब अगर इंडिया में कभी भी ड्राइविंग सीखते हैं हमें तो सिर्फ प्रैक्टिकल ड्राइविंग लेसन मिलते हैं एंड आफ्टर दैट वट वी डू इज वी गो टू द RTO, वी गिव द एग्जामिनेशन, वी कम बैक, मिल गया हमें लाइसेंस. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पर आपको ड्राइवर स्कूल में जाके पहली तो थियोरी क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी एंड उसके बाद ये आपको इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन बताते हैं. तो ये भी आपको सीखनी पड़ेगी. ये करने के बाद यू हैव टू गिव इज द थियोरी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट. तो आपको थियोरी टेस्ट देनी पड़ेगी सबसे पहले. अगर आप इस थियोरी टेस्ट में पास हो गए देन आपको जो है एक प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगी. अब ये प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है दिस इज समथिंग लाइक द लर्नर्स लाइसेंस. अब ये एक पूरी तरीके की लाइसेंस बिल्कुल नहीं है, ये आपको दी जाती है लर्नर्स लाइसेंस की जैसे. दिस इज नोन एज द प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज you have to take the practical lessons. अब practical lessons आपको कुछ नहीं तो 30 से 40 classes practical lessons की आपको लेनी पड़ेगी to learn driving. practical lessons लेने के बाद आप जो है confident हो जाएंगे अच्छे से कि oh now I know driving nicely. तो इसके बाद आप जाएंगे आपके गमाइन में, वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे टू द रोड ट्रैफिक ऑफिस. वहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वो एक डेट देंगे. वो डेट पे आपकी जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होगी. अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जिस डेट पे होगी उस दिन आपको अपनी कार लेके जानी पड़ेगी और आपका एग्जामिनर जो है वो आपके पास बैठेगा
और वो आपको जज करेगा। अगर आपने वो एग्जामिनेशन पास कर दी तो बहुत बढ़िया, आपको जो है आपकी लाइसेंस 2 दिन के अंदर आपके घर में बाय पोस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ या फिर समहाउ आपके एग्जामिनर सेटिस्फाइड नहीं हुए विथ योर ड्राइविंग स्किल्स, देन यू हैव टू रीस्टार्ट अगेन। जी हाँ, ये बहुत एक टीडियस पार्ट है, बट दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट एंड इफ़ यू डू नॉट पास आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्लासेस एंड दे माइट ऑल्सो सेंड यू फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो ये चीज़ें काफ़ी अलग है फ्रॉम इंडिया आईएसएल से। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सबके लिए, द वंस हु वांट अ ड्राइवर्स लाइसेंस यू नीड टू बी 18+, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है एंड दिस इज़ अ यूनिवर्सल रूल आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रॉम अब आपका खर्चा कितना आएगा, आप अगर इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्क्रैच टू गेट अ ड्राइवर्स लाइसेंस, हाउ मच इज इट गोइंग टू कॉस्ट यू? वेल, देन इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 5,000 francs प्लस इंश्योरेंस प्लस टैक्स। तो इसकी जो डिनोटेशंस है मैंने ऊपर डाल दी है, आप देख पा रहे होंगे INR में। सो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट, बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू विल रिसीव योर ड्राइवर्स लाइसेंस एंड विच इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी। So now let's move on to the ones with existing driver's license. तो अब हम बात करेंगे जिनके पास already driver's license है। तो मैं बताऊंगी उनके लिए चीज़ें काफ़ी easy हो जाने वाली है because उनके पास already एक तरीके की experience है driving की। तो सबसे पहले step जो आपको करनी पड़ेगी, again you need to go and take the eye test, वो बहुत important है। आपकी जो आई टेस्ट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लेकर आपको जानी पड़ेगी आइन वोहनर कंट्रोल में, दैट इज कैंटोन दिगमाइन आइन वोहनर कंट्रोल इसे कहा जाता है। आप वहां पर जाएंगे, वहां जाने के बाद आप 20 francs पे करेंगे एंड रोड ट्रैफिक ऑफिस जो है वहां पर आपकी जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है वो आपकी वेरीफाई होगी वहां पर। तो वो वेरीफाई होने के बाद वो आपको रिटर्न कर देंगे आपकी लाइसेंस एंड आफ्टर दैट दे विल अगेन गिव यू अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी इजी हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड ऑलरेडी हैविंग अ लाइसेंस गेट्स मच मोर इजियर। तो आपको जो है अब आपकी डेट मिल गई, तो इस डेट पे व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो, आपको अपनी कार लेके जानी पड़ेगी और वहाँ पर आपके पास वाली सीट पे आपके एग्जामिनर बैठेंगे एंड दे आर गोइंग टू असेस यू ऑन द बेसिस ऑफ योर ड्राइविंग स्किल्स। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स उन्हें अच्छी लगी और कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, देन दे विल अप्रूव यू एंड देन यू विल गेट लाइसेंस फ्रॉम देयर एंड। उसी दिन द बेस्ट पार्ट इज दैट वो आपको सेम डे में बता देंगे कि आपकी आप अप्रूव हो गए या फिर आप फेल हो गए। इसमें भी 2 possibilities है लाइसेंस में। एक पॉसिबिलिटी जो है वो है आपको आपका जो एग्जामिनर है उसने आपको जज किया एंड आपको आपकी ड्राइविंग उसे बहुत अच्छी लगी, ही डिडंट फाइंड एनी काइंड ऑफ फ्लॉ, तो वो आपको जो है एक अनलिमिटेड ड्राइविंग लाइसेंस दे देगा जो आपके घर में 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। और अगर आपके ड्राइविंग में उसे कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ दिखी तो वो आपको 3 years की एक प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस होती है वो आपको देगा। ये प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये 3 साल के लिए वैलिड होती है एंड इस 3 साल के बीच आपको जो है ये थियोरी क्लासेस और फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी क्लासेस ये दोनों चीज़ आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद यू नीड टू सबमिट देम विद द रिपोर्ट्स एंड देन गिव अ टेस्ट। ये तो बात हो गई 3 years प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या अनलिमिटेड लाइसेंस के बारे में। लेकिन अगर आपके एग्जामिनर ने आपको टोटली रिजेक्ट कर दिया तब
जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो इंडियन लाइसेंस है उसे भी कैंसिल कर देंगे एंड आप उससे स्विट्जरलैंड में बिल्कुल नहीं चला पाएंगे एंड आपको फिर से टेस्ट देनी पड़ेगी। इनफैक्ट वो आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मैं आपको एक प्रो टिप बताऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने रिसेंटली ये एग्जामिनेशन जो है ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए वो दिया है एंड ही हैड एन एग्जिस्टिंग लाइसेंस फ्रॉम बिफोर। बेस्ट चीज़ जो है जो आपको करनी चाहिए, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ड्राइवर्स लाइसेंस है, आपको जो टाइम मिलता है द डे यू गो एंड गेट द डेट जिस दिन आपकी एग्जामिनेशन होगी, उसके बीच में आपको एक टाइम फ्रेम मिलेगा। वो टाइम फ्रेम में मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी इज आप जाके कुछ क्लासेस ले ले। इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक 5 to 6 क्लासेस मिनिमम फ्रॉम द ड्राइविंग स्कूल। आपको जितनी भी ड्राइविंग आती है नो प्रॉब्लम, बट जो बात है इंडिया के जो रूल्स है वो काफ़ी अलग है स्विट्जरलैंड से, बिकॉज स्विट्जरलैंड में रोड ट्रैफिक बोलिए, रोड साइंस एंड सिग्नल्स बोलिए, ये बहुत ज़्यादा अलग है। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। सो इट इज लेफ्ट राइट ड्राइविंग का भी ये डिफरेंस है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को ये टिप ज़रूर दूंगी कि अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, आप 5 क्लासेस तो मिनिमम आप जाके ले लीजिए। वो 5 क्लासेस में आप साइंस सिग्नल्स जो है आपके जो आपको सिखा रहे हैं या फिर जो आपके टीचर है वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में, उनसे आप अच्छे से सीख लीजिए, जान लीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, वो आपको सब बता देंगे एंड देन यू वुड बी टोटली थरली प्रिपेयर्ड। तो जिस दिन आपका टेस्ट होगा आपका कोई फ्लॉ वो एग्जामिनर पकड़ ही नहीं पाएगा, बिकॉज देखिए ड्राइविंग तो आपको पहले से ही आती है। सेकेंड जो रूल्स की बात है, आपने तो रूल्स भी सारे अपने टिप्स पे रख लिए सीख के स्विट्जरलैंड के, एंड दिस वुड कॉस्ट यू अराउंड 600 फ्रैंक्स का कुछ इस तरीके के पैकेजेस होते हैं। अगर आप स्क्रैच से नहीं सीख रहे हैं एंड इफ यू टेक दीज क्लासेस देन टोटल इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 620 फ्रैंक्स टू मैक्स 700 फ्रैंक्स। ये थी फॉर द वंस who already have an existing license। और हाँ, जब द मोमेंट आपको आपकी स्विस लाइसेंस मिल जाएगी, वो आपके इंडियन लाइसेंस के ऊपर एक स्टिकर लगा देंगे विच वुड बी रिटन एज नॉट वैलिड इन स्विट्जरलैंड। ये ऐसा एक स्टिकर लगा देंगे बिकॉज वो इंडियन लाइसेंस और वैलिड नहीं होगी स्विट्जरलैंड में। सो ये थी कुछ गाइडलाइंस जो आपको अपने दिमाग में रखनी है बिफोर गेटिंग अ स्विस लाइसेंस। आई होप आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस अगर कोई भी आपके पास हो तो ज़रूर पूछें और ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैं जो है अपने अपडेट्स रेगुलर पोस्ट करती रहती हूँ। सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी देयर, आई विल पुट माई इंस्टाग्राम लिंक right here or you will find it even in the description box। So that's all for today everyone, see you guys again later, bye।